सुरक्षित पारदर्शी तरीके से वोट डालकर विधायक मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, लेकिन सिस्टम और सरकार गुजरात में 17 लाख बेरोजगारों से जुड़ी भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने में फेल रही। तभी तो गुजरात में रविवार को जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। भर्ती परीक्षा कराते समय सरकार कहती है कि हमारी नजर है, लेकिन उसी नजर को काटकर पेपर माफिया बेरोजगारों के नौकरी के सपने लीक कर देता है। आपाधापी, धक्का मुक्की, लाचारी, मजबूरी, इन सब को मिलाकर एक शब्द बनता है, वो है बेरोजगारी। उसी बेरोजगारी में अगर पेपर लीक ना होने से रोक पाने वाली सरकारी नाकामयाबी मिला दीजिए तो ये तस्वीर है गुजरात की। रविवार को भर्ती परीक्षा रद्द हुई, घर लौटने के लिए गुस्से में जाते दिखे बेरोजगार युवा। इनके चेहरों को देखिए, कोई घर से पूजा करके आया, कोई घर से दही चीनी खाकर आया, कोई वादा करके आया कि इस बार एग्जाम निकाल कर पक्का नौकरी पाऊंगा। एक नौकरी के सारे सपने एक झटके में इस बार गुजरात में टूटे। जो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है। 29 तारीख की सुबह गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा होनी थी। 28 जनवरी की रात ही एटीएस ने 11 लोगों को पकड़कर सूचना दे दी कि भाई पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद 29 जनवरी की सुबह जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक दो नहीं 17 लाख बेरोजगारों को अपनी किस्मत जूनियर क्लर्क की भर्ती में आजमाने से पहले पर्चा घिस जाने यानी लीक हो जाने की वजह से घर लौटना पड़ा। गुजरात में जूनियर क्लर्क के 3,350 पदों के लिए 17 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, यानी एक क्लर्क पद के लिए 507 बेरोजगारों के बीच फैसला होता। लेकिन पिछले महीने जहां विधायकों का चुनाव बिना किसी लीक के हो जाता है, वही व्यवस्था बेरोजगारों का नौकरी के लिए चुनाव कराने में फेल हो जाती है। जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? इसको तो सरकार जिम्मेदार होगी ना। गुजरात एटीएस दावा करती कि वो पहले से पेपर माफिया पर नजर बनाए थी। एटीएस दावा करती है कि गुजरात के रहने वाले 5 और अन्य राज्यों के 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। गुजरात में दावा तो ये भी हुआ कि पेपर सुरक्षित कराने के लिए 7,500 पुलिस कर्मी तैनात थे, 42 स्ट्रॉन्ग रूम बने थे, 100% CCTV कैमरों की निगरानी थी, पेपर सुरक्षित सेंटर तक पहुँचाने के लिए 939 रूट तय हुए थे। इन सारे दावों को धता बताकर पेपर माफिया ने गुजरात के बाहर से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा दिया। सीधा सा सवाल है कि एटीएस की नजर पहले से थी तो पेपर लीक कराने वाले भी पहले क्यों नहीं रोके जा पाए? काश भर्ती परीक्षा सुरक्षित कराने की प्रणाली का भी कोई मॉडल गुजरात में बन जाता तो लाखों बेरोजगारों को नौकरी के लिए यूं अटकना, भटकना और लटकना ना पड़ता। गोपी घांघर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद आज तक।